नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल खंड में तीसरे लेसन के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो में हम जल संसाधन, उसका परिचय, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय, जल संसाधन है क्या, या इस लेसन के अंतर्गत हम कौन कौन सी बातों का अध्ययन करेंगे। देखिए, जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हमसे आपसे छिपा नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। हमारे दिन की शुरुआत ही जल से होती है। जल से हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसा नहीं कि जल हमारे इस पृथ्वी पर कम मात्रा में है या जल की कमी है। हमारी पृथ्वी पर जल काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका अनुमान आप अपने घरों पर भी किताबों में पढ़े होंगे और घरों पर भी अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा यह कहते हुए सुनते होंगे कि इस पृथ्वी पर बहुत ही जल है। बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि इस पृथ्वी का 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। पर क्या ये पूरा का पूरा जल उपयोग करने लायक है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा जल अलौड़िय नहीं है। हम लोग अपने उपयोग में जो अधिकतर जल लाते हैं वह अलौड़ीय होता है, यानी कि जिसमें लवण नहीं मिले होते हैं। उसी का उपयोग हम अपने घरेलू कार्यों, दैनिक कार्यों, कृषि कार्यों, औद्योगिक कार्यों आदि में करते हैं। हमारे पृथ्वी पर जो जल विद्यमान है उसका 97.97% जल जो है वह सागरों एवं महासागरों में, जो कि लवणीय है, जो कि प्रयोग करने लायक नहीं है। मात्र 3% जल ही अलौड़ीय है जो प्रयोग करने लायक है। इनमें से भी ये जो 3% जल अलौड़ीय है, इनमें से भी 2% जल जो है वह हिमानियों के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है, जिसका हम अभी उपयोग नहीं कर रहे। बचा 1% जल जो अलौड़ीय है, यह हमको भूमिगत जल के रूप में, सतही जल के रूप में, या सतह पे जो जल प्रवाहित होता है, नदियों, तालाबों आदि में जो जल होता है, वायुमंडल में जो जल होता है आदि के रूप में हमको प्राप्त होता है, जिसको हम अपने उपयोग में लाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि जल की कमी नहीं है, इस पृथ्वी पर जल की कमी नहीं है, फिर भी हम ये भविष्यवाणी सुनने को पाते हैं कि 2025 तक 2025
25 तक लगभग 20 करोड़ आबादी, 20 करोड़ आबादी जल की नितांत कमी महसूस करेगी। ऐसा क्यों? इन सब के बारे में हम जानकारी लेसन के अंदर प्राप्त करेंगे। तो आइए लेसन की शुरुआत करते हैं। और लेसन की शुरुआत में सबसे पहले हमको जो पढ़ना है, या सबसे पहले जो हेडिंग हमारी किताब में दी गई है, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। एक चीज और आपको एक छोटी जानकारी बता दें कि इस पृथ्वी पर जल कितनी मात्रा में मौजूद है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसका अंदाजा एक आंकड़े से आप स्वतः भी लगा सकते हैं। पृथ्वी पर जो सागर महासागर हैं, उनकी औसत जो गहराई है वह 3500 मीटर कितनी है, 3500 मीटर। और जो महाद्वीप है, जो स्थलमंडल है, उनकी जो औसत ऊंचाई है वह 850 मीटर है। पृथ्वी की जो पृथ्वी में सागर महासागर है, उनकी औसत गहराई कितनी है, 3500 मीटर। और स्थलमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 850 मीटर। अब सपोज कीजिए कि जेसीबी, लेवलर आदि के माध्यम से इस पृथ्वी को समतल कर दिया जाए, यानी कि ये जो स्थल मंडल है जो 850 मीटर ऊंचा है, इसको खुदाई करके, जेसीबी आज से खोद करके सागरों महासागरों में डाल दिया जाए और सभी जगह एक समान कर दिया जाए, तो पूरी की पूरी पृथ्वी तब भी, पूरी की पूरी पृथ्वी तब भी कितने गहरे मीटर, कितने गहरे मीटर समुद्र में डूबी रहेगी, जल में डूबी रहेगी। देखिए इसको माइनस कर लीजिए, 0, 5, 6 और 2, लगभग 2600 या लगभग 2700 मीटर गहरे समुद्र में पूरी पृथ्वी डूबी रहेगी। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितनी मात्रा में जल मौजूद है, लेकिन सबका सब जल उपयोग करने लायक नहीं है, केवल 2-3% जल उपयोग करने लायक है। उनमें से भी 2% जल जो है अभी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर आदि के रूप में स्टोर है, और 1% जल का हम उपयोग कर रहे हैं जो हमको विभिन्न माध्यमों से विभिन्न रूपों में प्राप्त हो रहा है, जैसे कि भूमिगत जल के रूप में या अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, सतही जल के रूप में, यानी कि जो सतह पर जो जल विद्यमान है, अलवणीय जल जैसे नदियों का जल, जैसे तालाबों का जल, इसके अलावा वायुमंडल में भी जल विद्यमान है। और ये जो जल है, सतही जल, भूमिगत जल, ये सब जल जो नदियों पर जो जल पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, ये सब जल चक्र के माध्यम से पुनर्चक्रित होता रहता है, यानी कि एक तरफ हम उपयोग करते रहते हैं और दूसरी तरफ इनका पुनर्निर्माण होता रहता है, नवीनीकरण होता रहता है। तो ये कुछ जानकारी रही या कुछ परिचय रहा इस लेसन का। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो इसके अंतर्गत क्योंकि तीन बातें, दो बातें एक साथ दी गई हैं, इस हेडिंग को हम कई खंडों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जल दुर्लभता क्या है। सबसे पहले जानेंगे जल दुर्लभता क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जल धन दुर्लभता मतलब पानी की, जल की कमी। पर आप ये देखते होंगे कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, या आप देखते होंगे कि बाढ़ आदि के समय भी उन क्षेत्रों में
पानी की कमी हो जाती है। यह समाचार आज में सुनते होंगे कि पेयजल आदि की कमी हो गई, जबकि वहां पर बाढ़ ही आई है। ऐसा नहीं कि जल की दुर्लभता से आशय केवल और केवल जल की मात्रा की कमी से, बल्कि उसकी गुणवत्ता से भी, गुणवत्ता की भी कमी से लगाया जाता है। यानी कि जल दुर्लभता का आशय जल की गुणात्मक एवं मात्रात्मक कमी है। जल की दुर्लभता का आशय जल के गुणात्मक एवं मात्रात्मक ह्रास से है, मात्रात्मक कमी से। अब जल की दुर्लभता के कारण, जल की दुर्लभता के कारण देखिए, जल की दुर्लभता के कई कारण हो सकते हैं। नंबर एक, अपर्याप्त वर्षा। अपर्याप्त वर्षा जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है या वर्षा पर्याप्त नहीं होती है, ऐसे क्षेत्रों में जल की कमी पाई जाती है, जल की दुर्लभता पाई जाती है। नंबर दो, जल का अतिशोषण। नंबर दो, जल का अतिशोषण अत्यधिक उपयोग अत्यधिक उपयोग एवं असमान वितरण एवं असमान वितरण देखिए, इसकी वजह से कैसे जल की दुर्लभता पाई जाती है। देखिए, जल का आवश्यकता से अधिक या अनावश्यक कार्यों में यदि उपयोग किया जाता है तो वह अतिशोषण कहलाता है। अगर हम जल का आवश्यकता से अधिक या अनावश्यक कार्यों में प्रयोग करेंगे तो जल की कमी होगी, और अत्यधिक मात्रा में उपयोग किए जाने से जल में कमी होगी। यों ऐसा देखा जाता है कि किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति रहती है या जल की अधिकता होती है, और किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में जल की कमी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जल के असमान वितरण से होता है। जल के असमान वितरण से भी जल की कमी होगी। जिन क्षेत्रों में जल आवश्यकता से कम मात्रा में पहुंचाया जाएगा वहां पर जल की कमी होगी, और जहां पर आवश्यकता से अधिक पहुंचेगा वहां भी बाढ़ आदि की स्थिति उत्पन्न होगी और वहां भी जल की कमी होगी या जल की दुर्लभता होगी। अगला जो कारण है वह है जनसंख्या वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन इन कारणों का कोई क्रम नहीं है, आप कारणों को जानिए चाहे जिस क्रम में जानिए। अगला जो है वो जनसंख्या वृद्धि। आप सोच रहे होंगे कि जनसंख्या वृद्धि कैसे जल की दुर्लभता को उत्पन्न करती है, यही तो मेन कारक है। जनसंख्या वृद्धि ही मेन कारक है सभी समस्याओं की जननी है।
लेकिन इसको हमें यहाँ जानना है कि संदर्भ में जल की दुर्लभता के संदर्भ में कि जनसंख्या की वृद्धि से, जनसंख्या की वृद्धि से कैसे जल की दुर्लभता उत्पन्न होती है। आइए विचार करें, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो आने वाले लोग, जैसी बात है कि नहाने का काम, कपड़ा धुलने का काम आज करेंगे तो उसमें जल का अधिक उपयोग होगा। अब जो नए लोग आ रहे हैं वो भी तो खाने पीने का काम करेंगे तो उनके लिए हमें अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करना पड़ेगा और अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिए हमें अतिरिक्त क्षेत्रों पर या अतिरिक्त क्षेत्रों पर कृषि करनी पड़ेगी या अतिरिक्त मात्रा में फसलों का उत्पादन करना होगा और जिसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, फलस्वरूप जल का अधिक उपयोग होगा, फलस्वरूप जल की कमी होगी, दुर्लभता होगी। और कैसे हो सकता है भाई, जो नए लोग आ रहे हैं वो भी कपड़े का यूज करेंगे, कपड़ा धुलने का काम करेंगे, तमाम ऐसी घरेलू कार्य करेंगे जिसमें जल का उपयोग बढ़ेगा और उनको भी तमाम प्रकार की सेवाएं चाहिए, संचार परिवहन आदि की सेवाएं चाहिए, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो वस्तुओं आदि को बनाने में भी जल का उपयोग किया जाता है। कंपनियों फैक्ट्रियों में जो वस्तुएं तैयार होती हैं उनके निर्माण में जल का उपयोग किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बनानी पड़ेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बनानी पड़ेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें रहीं जिसकी वजह से यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जल की दुर्लभता उत्पन्न होती है। आइए अगला कारण हम लोग देखते हैं जल की दुर्लभता का। जल की दुर्लभता का अगला कारण जो है वो नंबर 4 है, यह है तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण, देखिए आज अपने देश में या पूरे विश्व में तेजी से उद्योग धंधों का विस्तार होता जा रहा है। उद्योग धंधों में क्या होता है, कंपनियों फैक्ट्रियों में क्या होता है, वस्तुएं तैयार की जाती हैं और वस्तुओं को तैयार करने में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। अगर कंपनियां फैक्ट्रियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल का उपयोग होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल का उपयोग होगा तो जल की कमी होगी, जल की दुर्लभता उत्पन्न होगी। चलिए अगला कारण हम लोग देखते हैं, और एक चीज, अगर औद्योगिकरण हो रहा है तो कंपनियां फैक्ट्रियां लग रही हैं, कंपनियों फैक्ट्रियों को संचालित करने के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ती है और मशीनें किससे संचालित होती हैं, ऊर्जा से, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें विद्युत की आवश्यकता है तो विद्युत का उत्पादन हम कई माध्यमों से कर सकते हैं, कई तरीकों से कर सकते हैं, एक है ताप विद्युत, तो ताप विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी हमको जल की आवश्यकता पड़ती है और जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए सीधे जल की आवश्यकता पड़ती है। आज भारत की जो ऊर्जा संबंधी कंपनियों फैक्ट्रियों में जो ऊर्जा संबंधी जरूरतें हैं उसका 22% जो ऊर्जा है वह जल के माध्यम से ही पूरी हो रही है। तो तीव्र औद्योगिकरण की वजह से जल की दुर्लभता उत्पन्न होती है। आइए पांचवा कारण देखते हैं जल की दुर्लभता का। पांचवा कारण जो है वह जल की दुर्लभता का है, बदलती जीवन शैली। बदलती जीवन शैली, इसकी वजह से कैसे जल की कमी उत्पन्न होती है। चलिए आप अपने माता पिता से, दादा दादी से, उनके जमाने में, उनके समय में जो दैनिक कार्य होते थे उसकी चर्चा कीजिए। एग्जाम्पल के रूप में हम एक दो बातें आपको बता रहे हैं, जैसे आप बर्तन धुलने की बात ले लीजिए, जैसे नहाने धोने की बात ले लीजिए,
उनके समय में जल का कम से कम प्रयोग किया जाता था, और आज के समय में आप तुलना कर लीजिए, आज हम लोग यदि नहाने जाते हैं तो टुल्लू मोटर को ऑन कर देते हैं और नहाते रहते हैं और पानी आवश्यकता से अधिक बहता रहता है। पहले ऐसा नहीं होता था। बर्तन धुलने जाते हैं, बर्तन धुलते रहते हैं, पानी बहता रहता है। ऐसे और भी तमाम बातें हैं जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं, जिनकी वजह से जल का अधिक से अधिक दोहन हो रहा है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। चलिए अगला देखते हैं, जल की दुर्लभता का अगला जो कारण है वो नंबर 6 है, और नंबर 6 जो है वो है गहन कृषि। देखिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो जनसंख्या की भोजन संबंधी या अन्य जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए हमें, और आज का समाज जो है व्यक्तिवादी भी होता जा रहा है, हर कोई लाभ कमाना चाहता है, हर कोई आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहता है, इसलिए वह यदि कृषक है, कृषि कार्यों से संबंधित है, तो वह गहन से गहन कृषि करता है। यानी कि जो भूमि है उस पर एक से अधिक फसलों का उत्पादन करता है, और ऐसा नहीं कि जिन क्षेत्रों में कृषि की जा रही है उन क्षेत्रों में हमेशा वर्षा ही होती रहे या जल उपलब्ध ही रहे, सिंचाई की आवश्यकता ना पड़े। तो अगर हम गहन कृषि करेंगे तो हमें अतिरिक्त जल की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे जल की कमी होगी। पहले के समय में ऐसा नहीं था। अधिकतर कृषि का कार्य जो है वह वर्षा की उपलब्धता, किसी फसलों का चयन जो है वह वर्षा की जल की उपलब्धता के अकॉर्डिंग किया जाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। चलिए अगला कारण देखते हैं, वो नंबर 7 होगा। नंबर 7 पर जो है वह है जल का प्रदूषित होना। जल का प्रदूषित होना आज विभिन्न कारणों से या हमारी विभिन्न गतिविधियों की वजह से जल एवं जल स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं। जैसे हम कंपनियां फैक्ट्रियां स्थापित करते जा रहे हैं, कंपनियों फैक्ट्रियों से वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, वस्तुओं के उत्पादन में हमें पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है, पर्याप्त मात्रा में जल का उपयोग हम करते हैं, और वस्तुओं को बनाने के लिए तमाम प्रकार के केमिकल रसायन का प्रयोग करते हैं, और यह इससे कंपनियों का गंदा जल, कंपनियों फैक्ट्रियों का गंदा जल जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। इसके अलावा हम अपने घरों के कूड़ा कचरा करकट आदि को भी जल स्रोतों में डालते रहते हैं, इसकी वजह से भी जल प्रदूषित होता जा रहा है। इसके अलावा हम कृषि कार्यों में तमाम प्रकार के रसायन एवं उर्वरकों का प्रयोग करते जा रहे हैं, इसकी वजह से जल प्रदूषित होता जा रहा है। इससे भी जल की दुर्लभता उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जल की दुर्लभता का आशय केवल और केवल जल की कमी से नहीं, बल्कि जल की मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी से। तो जल के प्रदूषित होने से कहीं ना कहीं जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। अगला जो हमारा जल की दुर्लभता का कारण है वो होगा नंबर 8, जो है जल का कुप्रबंधन। जल का कुप्रबंधन, देखिए जो जल हमारे पास मौजूद है उसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। यद्यपि हमारी आवश्यकताएं या हमारे कार्य जो है कम मात्रा में जल प्रयोग करने से ही हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उसका अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आज के समय में एक सीधा साधा जीवंत एग्जाम्पल है कि आज के समय में सिंगल फेज का मोटर आ गया है, क्योंकि बिजली से चलता है। होता क्या है, हम देखते हैं कि खेतों में फसलों को पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लोग करते क्या है कि बिजली का बिल देना ही दे रहा है महीने का, इसलिए वो
मोटर को ऑन रखते हैं, लाइट आती है, पानी चलता रहता है, आवश्यकता से अधिक जल फ्लो होता रहता है। ऐसे और भी तमाम एग्जाम्पल हैं जिससे जल का अंशिक मात्रा प्रयोग होता है, जिससे कहीं ना कहीं जल की दुर्लभता उत्पन्न होती है। चलिए अगला नंबर जो हमारा होगा वो होगा नवा, नवा नंबर है तीव्र शहरीकरण। तीव्र शहरीकरण, शहरीकरण की वजह से कैसे जल की दुर्लभता उत्पन्न होती है? देखिए शहरों में ढेर सारे बिल्डिंग, ढेर सारे घर मकान आपको बने हुए देखने को मिलते हैं। शहरों में ढेर सारी रोड, सड़कें, गलियां आदि देखने को मिलती हैं, जो अक्सर कंक्रीट का प्रयोग, सीमेंट का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। अगर धरातल के ऊपर कंक्रीट आदि का प्रयोग कर लिया जाएगा, सीमेंट आदि का प्रयोग कर लिया जाएगा, घर आदि बना दिए जाएंगे, तो वर्षा आदि का जल जो होगा वह रिस करके भूमिगत जल या जमीन के अंदर नहीं जाएगा, भूमिगत जल के रूप में स्टोर नहीं होगा। और देखिए जब किसी सीमित क्षेत्र में ढेर सारे लोग बस जाएंगे, तो चूंकि जो दैनिक यूज का कार्य है, दैनिक कार्यों में जल का प्रयोग है, वो तो बंद नहीं होगा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमिगत जल का, नदियों के जल का प्रयोग किया जाएगा और वाटर रिचार्ज होगा नहीं, जिससे उस क्षेत्र में जल की दुर्लभता या कमी उत्पन्न हो जाएगी। अगला हमारा जो कारण है वह है वनों का विनाश। वनों के विनाश से कैसे जल की दुर्लभता उत्पन्न होती है? देखिए पेड़ पौधे वनस्पतियां करते क्या है? पेड़ पौधे वनस्पतियां तो वर्षा कराने में सहायक है, और दूसरे आप वर्षा के जल को जमीन के अंदर रिसाने में सहायक है, यानी कि वाटर रिचार्ज कराने में सहायक है, और तीसरा वाष्पीकरण को रोकते हैं। कैसे? क्योंकि पेड़ पौधे वनस्पतियां धरातल के ऊपर यदि ढकी रहती हैं तो सूर्य की किरणें सीधे धरातल के संपर्क में नहीं आती, या अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके संपर्क में नहीं आती, जिससे वाष्पीकरण कम होता है, या धरातल पर सतह पर जो जल मौजूद है यदि इसके ऊपर वनस्पतियां हैं तो सूर्य का प्रकाश सीधे उनके संपर्क में नहीं आएगा, जिससे वाष्पीकरण कम होगा, जिससे जल की कमी नहीं होगी। अगर पेड़ पौधों का विनाश कर दिया जाएगा, वनस्पतियों का विनाश कर दिया जाएगा, वनों का विनाश कर दिया जाएगा, तो वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाएगी, वर्षा की मात्रा घट जाएगी, जिससे जल की दुर्लभता उत्पन्न हो जाएगी। तो ये कुछ कारक रहे जो जल की दुर्लभता के लिए जिम्मेदार हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे।